नमस्कार, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू रियल टाइम व्लॉग्स। मैं आपका दोस्त अजीत। गाइस, आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा मैसेज और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो इसको अपने एटलीस्ट ऐसे 3 लोगों को शेयर करें जो आपके कहने पे वीडियो को सब्सक्राइब कर सकें, बिकॉज आने वाले 7 दिन में एक ऐसा कंटेंट बनाने वाला हूँ जो शायद उनके लिए हेल्पफुल हो सके, उनके या उनके किसी जानने वालों के लिए हेल्पफुल हो सके, और हो सकता है कि शायद आपको इसे कुछ अलग ही मोटिवेशन मिले। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो जैसे आप लोगों ने अभी टाइटल में भी पढ़ लिया होगा कि हम ये अमेज़न और फ्लिपकार्ट की ग्रॉसरी आइटम्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर वीडियो बनाने वाले हैं कि कौन सा ऐप ज़्यादा फिजिबल है, कौन से ऐप पर ज़्यादा ऑफर मिलते हैं। तो गाइस, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम फ्लिपकार्ट से। तो ये हमने फ्लिपकार्ट का ऐप ओपन कर लिया। यहाँ पे ग्रॉसरी का ऑप्शन बहुत ही इजीली फाइंड हो जाता है जो कि आपको दिखेगा, बाकी और मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी हैं। तो यहाँ पे ऑफर्स देख रहे हैं आप, 1 रुपये में 1 किलो का चक्की का आटा, आलमंड्स 100 ग्राम, चीनी है, बिस्किट है, आइस टी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आपको ईजिली मिल रही हैं। ये धाम मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर लिया है तो चीनी मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा, मेरा महीने का कोटा खत्म हो चुका है। मैं ऑलमोस्ट यहीं से ऑर्डर करता हूँ अपनी सारी चीज़ें। देख लो 50% 40% बाय वन गेट वन, सारे ऑफर बहुत ही इजीली क्लियर्ड है, आपको इजीली दिख सकते हैं। ये जैसे मैंने आपको चॉपर दिखाया था, जो चॉपर था वो अवेलेबल है यहाँ पे, 159 समथिंग का मैंने परचेज किया था। और ये देखिए यहाँ पे ऑफर बड़े चीज़ें सिंपल हैं, जैसे हम 3 चीज़ों को ही हम परचेज कर रहे हैं, 3 से 4 चीज़ों को, जिसमें आटा होगा, ऑयल होगा, चाय पत्ती होगी। तो पिल्सबेरी का मल्टीग्रेन आटा जो मैं नॉर्मली ऑर्डर करता हूँ वो हमने एक ले लिया। फिर अब यहाँ से हम चलते हैं ऑयल के लिए, ऑयल या घी जो भी है यहाँ पे ऑप्शन है, ऑयल और घी, उस पर क्लिक करेंगे। इस पे सारे ऑयल आपको अवेलेबल हैं, कैटेगराइज्ड भी हैं सारे के सारे, कौन सा ऑप्शन आपको लेना है, कौन सा परचेज करना है। अगर आप इन सभी लिस्ट में से अगर चूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप कैटेगरी में भी जाके चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने मस्टर्ड ऑयल पे क्लिक किया तो यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल अवेलेबल होगा, और फॉर्च्यून का कच्ची घनी का तेल 1 लीटर हमने यहाँ पे ऑर्डर अपने कार्ट में ऐड किया है। उसके बाद हम इसमें ग्रीन टी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ग्रीन टी भी काफ़ी अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है। तो यहाँ पे मैं 25 और देखते कितने टी बैग, मैक्सिमम टी बैग वाला हम लेते हैं। तो ग्रीन टी का हमने सर्च किया और ग्रीन टी में 30 टी बैग, मतलब महीने का ही पूरा लेके चलते हैं, बिकॉज 1 महीने का पूरा ही कोटा रहेगा। तो ये सही है, इको वैली का है, तो इस 30 टी बैग का 148 का, हम इसको 50% डिस्काउंट इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये मेरा ऑलमोस्ट जो ऑर्डर है 600 का हो चुका है, तब इसको मैं आगे प्लेस कर सकता हूँ। तो 600 रुपये के ऑर्डर के अंदर मुझे करीबन 7 से 8 आइटम मिल जाती हैं। थोड़ा टाइम लग रहा है, नेट स्लो है। तो देखिए यहाँ पे मेरा ऑर्डर ऑलमोस्ट जो मेरा कार्ट है उसमें सारे प्रोडक्ट शो कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। 1015 रुपये के सामान पर मेरा 300 रुपये का डिस्काउंट होता है यहाँ पे। हाँ, डिलीवरी चार्जेस लगते हैं करीबन 50 रुपये का, अगर आप यही ऑर्डर 1000 रुपये प्लस करते हो तो डिलीवरी चार्जेस आपके वेव हो जाते हैं। तो 1000 रुपये का सामान पे मुझे 382 रुपये का डिस्काउंट मिला है, और जो मेरा टोटल कार्ट वैल्यू बनी है वो देख लेते हैं एक बार, वो है 683 रुपये की कार्ट वैल्यू है। तो अब इसको हम ये बंद करते हैं और हम देखते हैं अमेजोन पे ऑर्डर करना कितना आसान है। तो हम यहाँ पे अमेज़ॉन ओपन कर लेते हैं। अमेज़ॉन के अंदर भी कैटेगराइज इतना इजी नहीं है भाई, सिंगल ऐप के अंदर इन्होंने सब कुछ भर दिया है, सब कुछ। मतलब यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा, यहाँ पे आपको फाइनेंस सर्विसेज मिल जाएंगी, वीडियोस का भी लिंक मिल जाएगा, हर चीज़ इनके एक सिंगल ऐप पे अवेलेबल है। थोड़ा सा भरा भरा इनका ये मुझे ऐप लगता है, क्योंकि मुझे नहीं पता इनका यूआई, मुझे समझ में नहीं आता कि आपको नहीं लगता सही। अगर आपको कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट में बताएं इनका यूआई आपको कैसा लगता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैटेगराइज के अंदर पैंट्री का तो ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। फिर फ्रेश के अंदर हम देखते हैं फ्रेश में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल। अच्छा, फ्रेश में ही पैंट्री का सामान आपको मिल जाता है। तो इसके अंदर
फूड और फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के ऑप्शन में आपको सारी चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम इनका ऑर्डर प्लेस करते हैं। ये खुल गया इनका फूड वाला सेक्शन। तो अब यहाँ से जैसे मैंने वहाँ पे आटा, चाय और ऑयल किया था, तो हम यहाँ से वही पिल्सबेरी का आटा चेक करते हैं कि पिल्सबेरी का आटा है कि नहीं है। ऑयल दिख रहा है यहाँ पे, पहले हम पिल्सबेरी का आटा ऐड करेंगे, 5 किलो का आटा पिल्सबेरी का। तो ऑलमोस्ट ट्राई करते हैं कि वही वाले प्रोडक्ट ऐड करें। अब यहाँ पे वो मुझे आटा तो नहीं दिख रहा पिल्सबेरी का, यार हो सकता है यहाँ पे पिल्सबेरी का आटा ना हो, उसमें पिल्सबेरी के अदर प्रोडक्ट्स तो हैं बट वो आटा नहीं है। तो हम आशीर्वाद का आटा ऐड कर लेते हैं इसके अंदर, 5 केजी का। आशीर्वाद में ऑप्शन ही नहीं आ रहा, तो ये ऑर्गेनिक तत्व फ्लावर है जो वो ऐड कर लेते हैं, 199 का है। अब हम ऑयल ढूंढ लेते हैं। थोड़ा सा ना मुझे ये मैसी लग रहा है फ्लिपकार्ट के कंपेरेटिव भाई, मतलब इजी नहीं लग रहा जितना फ्लिपकार्ट में वो इजी लगता है, उतना ये मुझे अमेजोन इजी नहीं लग रहा है, सही बताऊँ आपको तो। थोड़ा सा मैसी है ये, सारे प्रोडक्ट की कैटेगरीशन हो रखी है बट जैसा वहाँ पे है वैसा नहीं हो रहा है यहाँ पे। ऑयल ऐड हो गया है, अब हम यहाँ पे टी डालते हैं। इसमें ग्रीन टी, नॉर्मल टी भी है, तो वो कौन सा होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने चाय उसकी टी आ रही है, नॉर्मल टी, बहुत ही मैसी टाइप, मतलब इतना इजी टू यूज़ मुझे नहीं लग रहा। बाकी आप लोग भी बस कमेंट करें कि आपको अमेजोन ज़्यादा पसंद है कि फ्लिपकार्ट, और कहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे ऑफर मिलते हैं। ग्रीन टी बैग्स का डाल के देखते हैं ऑप्शन क्या आता है कि नहीं आता। ये आ गया है यहाँ पे, ऑर्गेनिक इंडिया तुलसी टी है, तुलसी हनी ग्रीन टी 25 टी बैग वाला। तो मैं प्लेस करता हूँ ये 25 टी बैग वाला 168 का। ऐड टू कार्ट कर दिया है, देखते हैं एक क्वांटिटी ऐड टू कार्ट। भाई यहाँ तो नहीं आया यार ये, दोबारा बैक चलते हैं। थोड़ा मैसी है भाई, मेरे लिए मैसी है, मैं इजी नहीं कहूँगा, मेरे लिए तो इजी नहीं है। बाकी आप लोग सजेस्ट करें कि आप लोग कौन सा पसंद करते हैं ऐप, कौन सा आपको सही लगता है। एक और प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं भाई। सॉरी यार, मैं इस ऐप से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं इसको आगे मूव ऑन नहीं कर रहा। तो गाइज आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि कैसा आपको अमेजोन का एक्सपीरियंस है। मेरा तो एक्सपीरियंस ख़राब है अमेजोन के इस ऐप पे की प्रोडक्ट ऑर्डर करने में। तो मेरा एक्सपीरियंस तो ख़राब है भाई अमेजोन को लेके, फ्लिपकार्ट में ज़्यादा ईजी लगता है ऑर्डर प्लेस करने में। तो गाइज ये आपको डिसाइड करना है कि आप कहाँ से ऑर्डर प्लेस करें, कहाँ पे ज़्यादा ऑफर मिलते हैं ग्रॉसरी के सामान के लिए। ग्रॉसरी ऑलमोस्ट 1 या 2 दिन में डिलीवर हो जा रही है, फ्लिपकार्ट भी कर देता है, अमेजोन भी कर देता है, बट जो ज़्यादा ईजी हो, ईजी टू बाय हो, जहाँ से आपको ईजिली आप ऑर्डर प्लेस कर सकें तो आप वहाँ से ऑर्डर प्लेस करें। मेरे अकॉर्डिंग फ्लिपकार्ट इज़ बेटर, पर अगर आपको लगता है अमेजोन तो आप उस पर मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन सा ऐप आपको ज़्यादा अच्छा लगता है और क्यों। तो आज की वीडियो में जो मेरा बेसिक मोटो था कि लॉकडाउन के टाइम पर ऑनलाइन परचेजिंग सभी लोग कर रहे हैं, तो हमें किस ऐप के थ्रू करना चाहिए और जो ज़्यादा हमें फिजिबल लगे उसकी नॉलेज आपको देने के लिए था। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए कंपैरिजन के साथ। और आपको जैसे मैंने इनिशियल बोला कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए और लोगों को अपने ऐसे 3 दोस्तों को फॉरवर्ड करें जो सब्सक्राइब करें, ताकि जो मैं नया कॉन्टेंट लेके आने वाला हूँ सभी के पास पहुँच सके, और जो उससे मैं बताना चाह रहा हूँ वो सभी के पास उसकी नॉलेज पहुँच सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।